यूट्यूब से आपका इनकम, शादी कब करोगी, रिलेशनशिप स्टेटस ब्रैकेट में प्रेजेंट बॉयफ्रेंड, हाउ मच वॉज योर फर्स्ट इनकम। हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। I am Priyansha Mallick and this video is going to be a Q&A video, the most requested video. Like बहुत दिनों से मुझे Instagram, Facebook and videos के comments में मुझे बहुत जनों ने बोला कि आप Q&A video कीजिए, but मैं अभी finally कर रही हूँ Q&A video। and ये video करने का एक और एक रीज़न ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब से इंटरेक्ट करूँ और आप सब मुझे और अच्छे से जाने। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो क्वेश्चंस मैं दूसरे फ़ोन से देख देख के पढ़ूँगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट्स हीरोक जे रॉय, इंस्टाग्राम में शायद मुझे पूछा था, यूट्यूबर हुआर हुपुन केथियर पड़ा देखे सिल। सो यूट्यूबर होने का सपना मैंने कब से देखा, सो क्लास 12th में मुझे, मतलब मेरा एक कज़न भाई है, उसने मुझे बोला था कि तू चैनल क्यों नहीं स्टार्ट करती है, लाइक कर कुछ भी, मेकअप वेकअप कुछ भी कर, बट मुझे लगता था कि मैं तो कोई भी चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, सो कैसे करूँ। एंड दूसरा जो रीज़न है ये था कि मुझे लगता था कि YouTube स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा कैमरा या फिर कैमरा वाला फ़ोन चाहिए या फिर मतलब गिम्बल, फिर माइक, लाइट्स, एक पूरा सेटअप चाहिए। सो मुझे ये मिसकंसेप्शन था मेरा, जो कि बिल्कुल नहीं है, जो मैंने हाल ही में स्टार्ट किया है एक साल पहले यूट्यूब चैनल, उसमें मेरा स्टार्टिंग में कुछ भी मेरे पास नहीं था, मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया। बट वो क्लास 12th में मेरा एक कंसेप्शन था अलग है कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो सब कुछ होना पड़ेगा, बट ये मैं रॉन्ग थी। सो मैंने क्लास 12th में सोचा था करूँगी, बट तब मैंने नहीं किया। फिर मर्सी सिंह, वीडियो शूट करने के लिए कौन सा गिम्बल यूज़ करती हो? मैं कोई भी गिम्बल अभी तक मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने कोई भी गिम्बल अभी तक नहीं खरीदा है। एक्चुअली मैंने मतलब कोई भी चीज़ का सपोर्ट वपोर्ट लेके मैं जस्ट कैमरा रख देती हूँ, और जो मैं बाहर में शूट करती हूँ लाइक फैंसी बाजार टूर्स एंड ऑल, बाहर का जो भी शूट होता है मैं जस्ट हाथ में ही लेके करती हूँ, मैंने अभी तक गिम्बल एंड ऑल नहीं खरीदा है अभी तक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियांशा बा तुम्ही बहुत क्यूट हो, तुम्हार घर को डिटेल्स को बा। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय आदित्य गोगोई। सो आदित्य, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर कम्प्लीमेंट। एंड मोर घर तीन सुखियात है, मैं प्योर अपर आसाम गर्ल, सो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन तिनसुकिया। क्लास 10 तक तिनसुकिया में पढ़ा, फिर क्लास 11th में मैं गुवाहाटी शिफ्ट हो गई पढ़ाई करने के लिए। सो अभी फिलहाल 4 साल से तो मैं गुवाहाटी में ही हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ योर हाइट? सो मेरा हाइट है 5.1 एंड आई एम वेरी हैप्पी 5.1। कोई कोई मतलब मुझे बोलता भी है कि तू खुश तो है तेरे हाइट से, तो मैं उन सबको आंसर करना चाहती हूँ येस, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे मतलब मेरा हाइट, मेरा फिगर, लाइक मेरा जो अपीयरेंस है, मैं पूरा खुश हूँ, सेटिस्फाइड हो। एंड देन शादी कब करोगी, कौन? रेहान खान। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय रेहान खान, शादी कब करोगी? शादी तो और लाइक अभी पढ़ाई कंप्लीट करना है, लाइक डिग्री तो एक साल बाकी है, मास्टर्स कंप्लीट करना है, फिर जॉब करना है, फिर पूरा घूमना है, पूरा दुनिया घूमना है, फिर सोचेंगे कभी शादी के बारे में। फिर अच्छा क्या, रिलेशनशिप स्टेटस ब्रैकेट में प्रेजेंट बॉयफ्रेंड। अच्छा कौन,
रुकुनी आस्क बाय रुकुनी योर रिलेशनशिप स्टेटस ब्रैकेट में प्रेजेंट बॉयफ्रेंड. सो रिलेशनशिप स्टेटस प्रेजेंटली एकदम मतलब दूरों दूर तक कोई नहीं, लाइक प्योरली सिंगल, पूरा मतलब दूरों दूर तक कोई भी नहीं. प्रेजेंटली बॉयफ्रेंड का तो बात बहुत दूर ही है, मतलब पूरा एकदम सिंगल. फिर हाउ मच वॉज योर फर्स्ट इनकम? फर्स्ट इनकम लाइक क्लास 9 में शायद मैंने एक बार किसी के हाथ में मेहंदी ड्रॉ किया था. मतलब मुझे मेहंदी एंड ऑल ड्रॉ करने में बहुत अच्छा लगता है. सो तब उन्होंने शायद मुझे 100 रुपीज़ दिया था हाथ में. सो वो था मेरा फर्स्ट इनकम. यस, फर्स्ट इनकम इज 100 रुपीज़. देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन. सो करेंटली आई एम डूइंग माई बैचलर्स. सो फोर्थ सेमेस्टर में हूँ, फाइनल जस्ट आई गया है, लाइक एक साल बाकी है. बीए ग्रेजुएशन कर रही हूँ. फिर है हाउ आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग. जस्ट ऐसे ही मैंने मतलब हाँ प्लान था, बट एक दिन क्या हुआ हाल ही में लास्ट ईयर कि मैंने अपने भाई को बोला कि चल तो तू मेरा एक वीडियो बना के दे. तो मैंने जस्ट ऐसे ही एक इंट्रोडक्शन टाइप का छत में जाके, मैं रेंट पे जहाँ पे रहती हूँ, छत में जाके जस्ट एक इंट्रो वीडियो, वो भी 1 मिनट 40 सेकेंड्स का था. एंड मैंने एवे ही मतलब वो यूट्यूब में डाल दिया. एंड लाइक एक या दो दिन में 1.5K समथिंग व्यूज़ एंड 1K का ऊपर था, 1.54 ऐसा कुछ था. एंड सब्सक्राइबर भी दो दिन में मतलब 200 हो गया. हाँ 200 जैसा हो गया था. एंड आई वॉज वेरी सुपर एक्साइटेड. मतलब मुझे तब मतलब फील हुआ कि चलो स्टार्ट कर सकती हूँ. सो या लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चैनल तो मेरा गया, बंद हो गया. लेकिन हाँ तब मतलब मैंने सोचा था कि एक बूस्ट तब आता है ना जब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है. सो तब मैंने सोचा था. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ यू डील विथ योर नेगेटिव कमेंट्स. सो हाउ आई डील, मुझे तो अभी तक वैसा नेगेटिव कमेंट आया नहीं है जैसे मैं सुनती हूँ दूसरा यूट्यूबर से कि तुम मेरा ऐसा आया हुआ है, तुम्हारा कुछ आया है क्या. जैसे हम यूट्यूबर्स का भी मतलब कभी कभार बातें होते हैं ना जो जान पहचान के यूट्यूबर्स हैं. सो मैंने सुना हुआ है कि उन लोगों का कुछ कुछ आया हुआ है, बट हाँ मुझे अभी तक वैसा कुछ आया नहीं है, ख़राब नहीं आया है. फ्रेंकली स्पीकिंग अभी तक वैसा कुछ ख़राब नहीं आया है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक यूट्यूब से आपका इनकम. अच्छा यूट्यूब से मेरा इनकम, यूट्यूब से मेरा अभी तक इनकम नहीं हुआ बिकॉज मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ. आप लोग सपोर्ट कीजिए, वॉच कीजिए वीडियो, तब चैनल मोनेटाइज होगा एंड तब इनकम होगा. सो अभी तक यूट्यूब से मेरा इनकम नहीं हुआ है अभी तक. नेक्स्ट योर आई कलर. मेरा आई कलर देखिए पूरा एकदम ब्लैक. आई कलर पूरा ब्लैक. फिर प्रूफ दिया है, पूरा ब्लैक कलर है आई कलर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम जैसे क्वेश्चन है कि शादी किससे करोगी. शादी कोई है ही नहीं. हाँ एक काम कर सकते हैं, जिसको मैं पसंद हूँ रिश्ता ज़रूर भेजिए. तब कुछ सोच सकते हैं, रिश्ता ज़रूर भेजिए मुझे. चलिए नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुम वीडियो किससे बनाती हो. अच्छा
मैं वीडियो बनाती हूँ फ़ोन से। मेरा जो पुराना फ़ोन था, मतलब अभी हाथ में है ये वीवो V9 Pro, मैं इस फ़ोन से वीडियो बनाती थी। बट अभी जैसे कि मैंने आईफोन ख़रीद लिया, iPhone 12, सो मैं अभी आईफोन से वीडियो बनाती हूँ। एंड जस्ट हाल ही में स्टार्ट किया है, लाइक तीन वीडियोस शायद अभी तक है आईफोन का। सो वीवो V9 Pro पहले था एंड अभी आईफोन। सो ये कभी भी मत सोचिएगा कि मतलब अच्छे क्वालिटी का फ़ोन नहीं होने से यूट्यूब स्टार्ट नहीं कर सकते। ये सच में एक मिसकंसेप्शन है, मेरा भी था। एंड नेक्स्ट, योर फ्यूचर प्लानिंग। सो फ्यूचर प्लानिंग तो हाल ही में मुझे मास्टर्स करना है। आफ्टर ग्रेजुएशन मास्टर्स करूँगी, फिर देखती हूँ लाइफ किधर लेके जाता है। लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल पढ़ाई कंप्लीट करना है, फिर सोचूँगी क्या करना है। सो मुझे लगता है ये वीडियो मुझे यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए, बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं मैं दे पाई। जस्ट जो मतलब ऊपर में कॉमन क्वेश्चंस थे, मैंने उस सब का रिप्लाई दिया। एंड होप सो आप सबको अच्छा लगेगा वीडियो। एंड प्लीज़ लाइक, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, प्यार देते रहिए तभी और वीडियो बनाने में अच्छा भी लगता है। आप लोग जब मतलब वॉच करते हो वीडियोस, मैं जब व्यूज़ देखती हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है। सो आप ऐसे ही प्यार देते रहिए। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय।